और ये ड्राइव किया है, जाएगा सिंगल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मिसफील्ड, ओ माय गॉड, गरीबी में आटा गीला, ओवर थ्रो। He's on fire. Fantastic performance. Oh, what a leap. Takes a superb catch. What a win. That's done it. The whole team running over to celebrate. What's up guys, the Spectres here, और आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू मैच में। तो आज ये मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20। देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही रोमांचक मैच होगा ये। तो सिट बैक, रिलैक्स, अपने खाने वाने का इंतजाम कर लो, जूस वूस का, और मैच देखो, पूरा इंटरेस्ट लो। तो जाते हैं टॉस की तरफ। Heading down to the middle now for the toss. The captain must have lots of confidence in their bowlers. हेयर वी गो, पहली डिलीवरी, और ये तेज थोड़ा शॉट एकदम गैप में गया कवर की तरफ, और ये चौका। क्या ही टाइमिंग थी, रोहित शर्मा ने पहली डिलीवरी से ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो क्या करना चाहते हैं मैच में। बहुत ही बढ़िया कनेक्ट हुआ था ये शॉट, गैप में गया मिडल ऑफ द बैट, और ये फिर से हवा में लगा दिए लॉन्ग ऑफ, और ये छक्का। बहुत ही पूरी फॉर्म में लग रहे हैं रोहित शर्मा, और मोहम्मद आमिर ना खुश होंगे, लगता है पवेलियन से टिक के आए हैं। थर्ड डिलीवरी, शॉर्ट पिच, और ये सीधा फील्डर के हाथ में, नहीं, ओ नो, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। वाबरियाज इन अटैक, दूसरा ओवर डालेंगे ये पावर प्ले का। शॉर्ट पिच बॉल, केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी कनेक्ट किया, और ये सीधा सिक्स। गुड लैंड, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का। रोहित शर्मा, के राहुल दोनों ही लय में लग रहे हैं, कप्तान अपने बॉलर को समझाते हुए कि कुछ तो चेंज करो यार। और ये हवा में शॉट मारा है, बड़ा मारा है, ऊंचा मारा है, और ये सिक्स। पूरा ही पावर का इस्तेमाल किया इस शॉट में रोहित शर्मा ने, और ये पैड्स पे बॉल और फ्लिक चौके के लिए। 50 पार्टनरशिप कंप्लीटेड, और बहुत ही अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं दोनों ही पार्टनर्स। और यहाँ स्पिन अटैक ट्राई करेंगे सरफराज अहमद, और ये लगा दिया हवा में एक और शॉट, और ये भी जाएगा लॉन्ग ऑफ की तरफ से, छक्का, सिक्स, एक और सिक्स। गोल्डन डिलीवरी, और ये रिवर्स स्विप कर दिया, थर्ड मैन के पार जाएगी बॉल, ये भी देगी चार रन। और ये है अनऑर्थोडॉक्स शॉट जो के आर राहुल मार सकते हैं, पूरी फॉर्म में लग रहे हैं आज। बहुत ही अच्छा कनेक्ट किया, रिवर्स स्विप, मिडल ऑफ द बैट, स्पिन अटैक हो या फास्ट, केएल राहुल दिखाएंगे अपनी क्लास। जी हां, शानदार ड्राइव डाउन द ग्राउंड। हसन अली आए हैं अटैक में, लगता है अपने 10 विकेट के कोटे में से पहली विकेट ले ही लेंगे। और यहां पे शानदार कवर ड्राइव, केएल राहुल पूरी क्लास दिखाते हुए यहां पे अपनी। सरफराज अहमद कुछ फील्डिंग में चेंज करना चाहेंगे, और ये क्लाइंटों का बेहतरीन प्रदर्शन, रोहित शर्मा भी दिखाते हुए अपनी क्लास, अभी तक पावर से अटैक कर रहे थे। और शानदार रिवर्स जो गया कवर के थ्रू चौके के लिए, और यहाँ पे इनकी हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई, क्या ही क्लास और क्या ही पावर दिखाई है इस पूरी इनिंग्स में केआर राहुल ने। शॉर्ट पिच बॉल थोड़ा लॉफ्ट किया है, और ये जाएगा गैप में। एक और कवर ड्राइव, शानदार एकदम क्लासी बैटिंग,
और ये ड्राइव किया है, जाएगा सिंगल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मिसफील्ड, ओ माय गॉड, गरीबी में आटा गीला, ओवर थ्रो। और इसी के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 100 के पार। अरे रोहित शर्मा ने मारा, हवा में मारा, क्या फील्डर पकड़ लेंगे ये कैच को? जी हाँ, बहुत ही अच्छा, बॉल के पीछे गए और कैच पकड़ा, नहीं छोड़ा इस बार। और पाकिस्तान को मिली पहली विकेट, पहला ब्रेक थ्रू रोहित शर्मा के रूप में। जाना पड़ेगा, शानदार बैटिंग की, ये बड़ी पार्टनरशिप टूटी। अब आए हैं विराट कोहली नंबर 3 पे। ऑफ साइड में मारा है ड्राइव, और ये मोहम्मद हफीज से हुई मिसफील्ड, और ये जाएगा 4 रन के लिए। मेरे जिस समझ से बाहर है चीजें कि इस तरह तो क्लब लेवल क्रिकेटर भी नहीं खेलते यार। खैर, ये देंगे भारत को 4 रन, कप्तान फिर ना खुश पाकिस्तान की फील्डिंग से। और जब ऊंचा शॉट मारा है, डिस्टेंस मिला है, यस मिला है, और ये जाएगा बाउंड्री पार। शाहिद अफरीदी आए हैं अपना पहला ओवर डालने, और ये फ्लिक किया क्या राहुल ने सिंगल के लिए। ओ, फील्डर के हाथ में, क्विक है, विराट कोहली तेज है, केएल राहुल तेज है, और हाँ डबल कंप्लीट होगा इस बॉल पे। ओ माय गॉड, क्या ही टर्न किया है बॉल को, पीछे से बोल्ड करते हुए केएल राहुल को। और दूसरा ब्रेक थ्रू मिलता हो पाकिस्तान को, और जाना पड़ेगा अब केएल राहुल को, वेल मेड 77। नए बैट्समैन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब आ गए हैं बैटिंग करने। और ये हवा में मारा है, कैच होगा। ओ माय गॉड, और आज पाकिस्तान की फील्डिंग में बहुत ही गलतियां देखने को मिली हैं। यहाँ पे सिंपल कैच था, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए था, बिल्कुल हाथ के पास से गया। और ये हवा में मारा है, डिस्टेंस मिला है कि नहीं, जी हाँ, ये भी जाएगा बाउंड्री पार, पहली बाउंड्री MS धोनी के बैट से। और अफरीदी नाखुश, हसन अली आ गए हैं वापस, ये मारा थर्ड मैन की तरफ से, और ये देगा 6 रन के, नहीं, वन बाउंस ओवर डिफेंस। और ये फ्लिक मारा है विराट कोहली ने, और ये जाएगा चौके के लिए। बहुत ही अच्छी क्लासी बैटिंग, यही इनकी ताकत है विराट कोहली की। शॉर्ट पिच डिलीवरी, और ये कट कर दिया है, थर्ड मैन की तरफ जाएगा, और ये देगा 4 रन। गोल्डन डिलीवरी, और ये हवा में गई है, क्या डिस्टेंस है, जी हाँ है, छक्के के लिए। आज कुछ अलग ही लय में दिख रहे हैं MS धोनी। शॉर्ट पिच डिलीवरी, और ये जाएगा 6। क्या ही कमाल का शॉट है, क्या ही ये शॉट जो है, मतलब सिर्फ विराट कोहली ही मार सकते हैं ऐसा शॉट। तो एक और डाउन द ग्राउंड तेज़तर्रार चौका, और क्या ही पावर हिटिंग है, मजा आ गया। और ये फिर से जाएगा कवर के थ्रू, और देगा 4 रन। बाबरियास आ गए हैं अपना आखिरी ओवर डालने इस इनिंग्स का, और घुमा दिया विराट कोहली ने हवा में शॉट, और देगा ये 6 रन। बहुत ही कमाल का शॉट मारा, एकदम बढ़िया क्लासी लॉफ्टेड शॉट, और ये एकदम जड़ में यॉर्कर, और ये बोल्ड कोड 152 किलोमीटर पर आर की ये यॉर्कर वाबरियास ने मारी एकदम जड़ में, और मिस किया इसको कोहली ने। कोहली को जाना पड़ेगा, 50 नहीं बना सके। ऑफ साइड में बॉल, और जगह बना के खेल दिया, हेलीकॉप्टर स्पेशल शॉट MS धोनी का, और हेलीकॉप्टर यहाँ लॉन्च हो गया है। क्या ही टाइमिंग की है, क्या ही पावर है, और पहले जगह बनाने के लिए उस साइड कवर किया विकेट को, ताकि ऑफ साइड की बॉल को मार सके ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अगेन ब्रेनलेस कैप्टेंसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट। रिकॉर्ड यॉर्कर, और ये हवा में गई है गेंद नीचे, फिल्टर क्या होगा कैच के, नहीं, क्या मिल गया डिस्टेंस, हाँ मिल गया है, और ये एक और छक्का, बाउंसर हुक शॉट, और ये भी गई गेंद अंतरिक्ष में, जाओ लेके आओ। और इसी के साथ बहुत ही तेज तरार 50 MS धोनी ने अपनी पूरी की मात्र 18 गेंदों में।
बहुत ही अच्छी इनिंग्स, बहुत ही अच्छा फिनिश दिया इंडिया को यहाँ पे। अब पाकिस्तान को चेस करना होगा 224 120 बॉलों में। आ गए हैं इमाम उल हक और उनके साथ है फ़खर जमान। फ़खर जमान बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं T20 के, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और मोहम्मद शमी डालेंगे यहाँ पे पहला ओवर भारत की तरफ से। और ये बहुत ही क्लासी ड्राइव सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ और देगी ये 4 रन। फील्ड में चेंज किया यहाँ पे थोड़ा सा MSD ने और ये फ्लिक मारा है और ये कमाल का कैच किया राहुल दोबारा। हाइट नहीं मिली बॉल को पर वहीं से लपक लिया और ये स्ट्रेटजी काम कर गई वहाँ पे फील्डर खड़ाने की MSD की। एक बार दोबारा देखेंगे रीप्ले में और हाइट नहीं मिली और कमाल का कैच किया राहुल के द्वारा। बहुत ही नाइस जजमेंट बॉल की। फ़खर जमान होंगे नाखुश, जाना पड़ेगा उनकी इनिंग्स यहीं पे ख़त्म। नए बैट्समैन बाबर आजम आए हैं, जसप्रीत बुमराह आ गए हैं दूसरा ओवर कराने पावर प्ले का। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव और मिलेंगे यहाँ पे 4 रन बाबर आजम को। गुड लेंथ बॉल, इस बार मारा है स्केयर कट और ये भी देगा 4 रन। शॉर्ट पिच फ्लिक किया है और यहाँ पे फील्डर पकड़ेंगे, नहीं जी हाँ ये है 4 रन मिलेंगे पाकिस्तान को यहाँ पे। गुड लेंथ और ये बैक फुट पंच कवर के थ्रू और बहुत ही अच्छा शॉट, एकदम तेज तरार गया बाबर आजम के बैट से। बैक फुट पे बहुत अच्छा खेलता है ये खिलाड़ी। गुड लेंथ बॉल और एक और बैक फुट पंच सीधा, सेम बॉल सेम शॉट और सेम रिजल्ट। और ये कवर ड्राइव और ये कमाल की स्विंग और सीधा कीपर के हाथों में और मिलेगा यहाँ पे आउट और जाना पड़ेगा बाबर आजम को। शमी स्ट्राइक्स अगेन, एच लगा और कोई भी गलती नहीं है MSD दोबारा कैच में। अच्छा खेल रहे थे 8 बॉलों पे 19 रन। मोहम्मद हफीज आए हैं बैटिंग करने। अब हार्दिक पांड्या चेंज इन बॉलिंग, अच्छी कवर ड्राइव गैप में मिलेंगे 4 रन। अरे नहीं कमाल की फील्डिंग जडेजा के द्वारा और यहाँ पे बचा लिया अपनी टीम के लिए 4 रन। शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल किया है और मिलेंगे यहाँ पे 4 रन क्योंकि ये बॉल है गैप में। चाहल आए हैं और ये एच और ये कमाल का रिफ्लेक्स कैच MSD द्वारा और ये मुझे नहीं पता LBW हुआ है कैच आउट हुआ क्या हुआ है। एच की आवाज तो आई है और जी हाँ एज फिर पैट और ये कमाल का रिफ्लेक्स कैच MSD द्वारा। और आज भारत की फील्डिंग का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। मोहम्मद हफीज जाना पड़ेगा, नहीं कर पाए ज़्यादा कुछ और ये फ्लिक कर दिया हवा में गेंद और ये मिलेंगे 6 रन। जी हाँ पांडे एक और फ्लिक ग्लांस मारा है और ये गैप में मिलेंगे एक और 4 रन। इमाम आज पूरी फुल फॉर्म में, एक और ये मार दिया कवर के ऊपर से 6। हार्दिक को टारगेट किया। अब आए हैं कुलदीप यादव, चाइना मैन अटैक और ये रिवर्स कर दिया है गैप में जाएगा। जी हाँ मिलेंगे 4 रन इस पे भी और ये हवा में गेंद फील्डर के पास जाएगी, नहीं नहीं मिला है डिस्टेंस और मिलेंगे 6 रन इमाम को। शॉर्ट पिच डिलीवरी कट किया है, सिंगल मिलेगा। और यहाँ पे हाफ सेंचुरी कंप्लीट होती हुई इमाम की, पर अभी बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गए हैं, बहुत बड़ा टारगेट चेस करना है। और ये मारी है ड्राइव, मिलेगा सिंगल। डबल के लिए कोशिश और यहाँ पे वापस जा रहे हैं और जस्ट मार्जिन से बच गए। और यहाँ पे 50 पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई इन दोनों बैट्समैन की, रविंद्र जडेजा को लगाया है। ये हवा में गेंद क्या टपेगी मिड ऑफ को, जी हाँ वन बाउंस ओवर द फेंस। यहाँ पे डाउन द ग्राउंड फील्डर पकड़ेगा गैप में है, जी हाँ ये भी मिलेंगे 4 रन।
ये मारा इस लॉक किया है और मिलेंगे 4 रन इस पे भी मिड विकेट के थ्रू। सेम शॉट फिर से और मिलेंगे 4 रन। और ये स्वीप करने की कोशिश और ये कमाल का कैच है एमएस धोनी द्वारा। और ये पैड लगा है, बैट लगा है, मेरे हिसाब से बैट लगा है। और कैच का तो क्या ही कहना, पहले मिस किया कैच करने में, फिर पीछे गए गेंद को और लपका। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। और जाना पड़ेगा हैरिस सोहेल को यहाँ से। सरफराज अहमद कप्तान आए हैं अब बैटिंग करने, अब इन्हीं के हाथ में है बागडोर। और ये पैड्स पे किया, फ्लिक किया क्लाइंट को, बेहतरीन प्रदर्शन। और ये गैप में है, मिलेंगे 4 रन। और एक और स्वीप किया, ये भी गैप में है, जी हाँ मिलेंगे 4 रन फिर से। और ये हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, फील्डर नीचे आ रहा है और ये कैच, ओ जस्ट मार्जिन से बच गया। और ये मिलेंगे 6 रन इमाम उल हक को, पूरी फॉर्म में है आज ये। डाउन द ग्राउंड गैप में दोनों फील्डर को बीट किया। और ये जसप्रीत बुमराह की एकदम कड़क क्योर कर, आउट है ये, आउट होना चाहिए, आउट है, आउट नहीं, अंपायर का डिसीजन नहीं। रिकवर के थ्रू मारने की कोशिश और फील्डर पकड़ लेंगे, जी हाँ जाना पड़ेगा सरफराज अहमद को, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, अब इनके हाथ में ही था सब मैच का जिम्मा। कवर के ऊपर उसको टापने की कोशिश पर पकड़ लिया फील्डर ने। स्ट्राइक रेट भी थोड़ा कम ही दिखा इनका। अब आए हैं शाहिद अफरीदी, बूम बूम, पर क्या ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 18 गेंदों में चाहिए 60 रन। जसप्रीत बुमराह है सामने और ये यॉर्कर, और ये लगाया बड़ा शॉट और ये मिलेगा डिस्टेंस और ये है 6 रन। बूम बूम अफरीदी स्टेडियम के बाहर। कॉर यॉर्कर और इस बार ऑन साइड में उठा दिया और ये भी 6 रन। अंतरिक्ष में बॉल, क्या है अभी कहानी में ट्विस्ट बचा है, क्या अफरीदी जिता सकते हैं पाकिस्तान को। और ये एक और सेम बॉल और ये एक और सिक्स, इस बार गया थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और पूरी लय में 3 बॉले 18 रन। क्या ही कमाल की इनिंग्स खेलने, मुझे लगता है ये आए हैं और लगता है ये आज बेड़ा पार करा ही देंगे पाकिस्तान का। एमएस धोनी अपने बॉलर को समझाते हुए कुछ टेक्निक्स, लेट्स गो। अगली डिलीवरी और ये कमाल की डिलीवरी, बॉल सीधा जड़ में यॉर्कर, क्या ही डिलीवरी थी, एकदम बीट किया बैट्समैन को। अब हमें नहीं पता एमएस धोनी ने जसप्रीत बुमराह को क्या कहा, पर रिजल्ट तो मिल गया। और जाना पड़ेगा अफरीदी को, थोड़ा एंटरटेन किया इन्होंने, उम्मीद जगाई थी पाकिस्तान फैंस की। आखिरी ओवर है, मोहम्मद शमी कर रहे हैं और ये मिस, पहली गेंद भागेंगे, इमाम को स्ट्राइक चाहिए और ये कमाल की डायरेक्ट हिट एमएसटी द्वारा और यहाँ पे मिलेगा रन आउट। जाना पड़ेगा इमाम आपको यहाँ से। अब बॉल मिस की, कट करना चाहते थे और ये कमाल की डायरेक्ट हिट, फाइन जजमेंट, नहीं बना पाए अपनी सेंचुरी, मैच तो निकल गया पाकिस्तान के हाथ से। और ये हवा में गेंद मारने की कोशिश और ये भी कैच होगा, हार्दिक पांड्या तो छोड़ते नहीं है कैच। और मोहम्मद शमी तीसरी विकेट ले गए और ये मारा है कट, मिलेंगे 4 रन पर इट्स टू लेट। लास्ट डिलीवरी मिस की, भागेंगे और फिर डायरेक्ट हिट, मतलब आउट एक और मिलेगा। और ये लगी डायरेक्ट हिट एमएसटी द्वारा और मैच जीत लिया है भारत ने 29 रन से। बहुत ही बढ़िया मैच था ये, काफ़ी बड़ी इनिंग्स देखने को मिली केएल राहुल और एमएस धोनी। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उससे होगा कुछ नहीं, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरे में चुल मचेगी कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे इंडिया पाकिस्तान की ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं। और अगर नए आए हो चैनल पे तो यार वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, फ्री है, दबा दो, कुछ नहीं कटेगा तुम्हारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।